ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें मैडम क्लास आज की। चेक करो फटाफट। ये भी नहीं किया तूने? क्यों? वो 27 भी नहीं कर रही? वही तभी देखते। सही है, आगे बढ़े। इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस वाला था। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। इसमें देखिए आगे, प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट तो नहीं आएगा इसमें। कार है क्या इसमें? कार है ही कहा? हाँ, पहले वाले का रह गया लिखा हुआ। ठीक है, बढ़े आगे। अनिल का कैपिटल अकाउंट चेक करिए। इसमें भी रिजल्ट नहीं लिखा। इसमें भी गड़बड़ कर दी। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट निकाल दिया। बहुत बढ़िया, हो गया। आगे बढ़े, चेक करिए। ये नहीं आ रहा है ना? चलिए 27 क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो फटाफट। किस किसने नहीं किया हुआ जो भाई, फटाफट कंप्लीट करो। उन्होंने किया हुआ सही है उनका ये पूरा? तूने नहीं किया हुआ? मेरी एक दिन और इस चैप्टर को देने की इच्छा है नहीं। अब मैं कल से रियलाइजेशन शुरू करना चाहता हूं, रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म। उसके बाद एक और है ना, बस ये भी बुक का ही है। तो बुक का है, लास्ट रिलेशन है ये। हाँ अच्छा, वो करवा रखे हैं, ये कहने का मतलब है तेरा। रिलेशन मैंने करवाए हुए नहीं है। हो गए ये। इसमें न्यू रेशो भी दिया हुआ था, ओल्ड रेशो भी दिया हुआ था, तो हमें गेन भी कैलकुलेट करना पड़ना था। क्या हुआ बेटा आज हुए? क्या काम है ना? आप तो नया चैप्टर स्टार्ट करो, आगे करेंगे बढ़ाई शुरू। ये तो गए तीनों अपने, तो है ना? इन तीन में से 25 नंबर ही तो है। नहीं आएंगे 100 में से 25 नहीं आएंगे, तो आगे 75 की तैयारी करेंगे हम 75 की। करे भाई कहाँ है? दूसरी कॉपी में। दूसरी कॉपी कहाँ है? घर पे। घर पे क्या कर रही है?
दैट नोटबुक इज मिल्चिंग, है ना। आगे देखिए, हो गया कंप्लीट है बेटा सबको, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर टू चेक करिए फटाफट। ये इंडिकेशन से टाइम हुआ, कभी चेयर गिर इधर गिर रही है, कभी पेन इधर गिर रहा है, कभी कॉपी गिर रही है ना। बार बार सर देखो इधर, ठीक है आगे चेक करिए। हो गया सबका, कल से आपके डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप को शुरू कर दिया जाएगा। देखो स्टार्टिंग में उसके अंदर जो पढ़ने वाली चीज है ना, वो सिर्फ एक अकाउंट है, कौन सा है वो, रियलाइजेशन अकाउंट। उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। एक तो कई बार बच्चे रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, रिवैल्यूएशन अलग है रियलाइजेशन अलग है। चैप्टर अब तक जितना भी पढ़ा है ना, उनमें सबसे इजी चैप्टर है ऐसा मुझे लगता है। नहीं सारे नहीं लगते, सारे नहीं लगते है ना, बस कुछ ज्यादा इजी लगते हैं, कुछ कम इजी लगते हैं, ठीक है। बट बात यह है कि देखो इजी और टफ कब आप यू समझो, अगर आपको ये चैप्टर जितने भी टफ लगे इजी लगे जो भी लगा है आपके लिए अब तक, वो चैप्टर इनसे भी इजी है। अगर इजी आपको ये लगे तो ये उनसे भी इजी है, अगर आपको टफ लगे हैं तो वो वाकई में इजी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि हमने एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में कनेक्शन पढ़ा था, वो कनेक्शन यहां पर नहीं है। पार्टनरशिप से कनेक्टेड है ऐसा नहीं है, उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है। अगर ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आते थे, जैसे हमको एडमिशन नहीं आया, एडमिशन के टाइम पे अगर हमने रिवॉल्यूशन नहीं सीखा तो उसको रिटायरमेंट में भी दिक्कत आई होगी, ऐसा वहां पर नहीं है। ना वहां पर हमें निवेशो निकालना है, ना वहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ना वहां पर हमें रिवॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ बुक में जो वैल्यू दे रखी है ना, उसको एज इट इज प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। हमें अब बंद करनी है फर्म को। और क्या होता है, अपन कहते हैं ना किसी भी चीज को चालू करना आसान होता है, बंद करना चालू करना मुश्किल होता है, स्टार्ट करने में बड़ा समस्याएं आती है। बंद करना तो चुटकियों का खेल है, शटर डाउन बंद, ताला लगाया बंद। चालू में ताला खोलने से चालू नहीं होती है, कस्टमर आएंगे, बिजनेस सेटअप करना बहुत टिपिकल टास्क है। किसी भी चीज को खरीदना मुश्किल है, बेचना आसान है। तुमसे कह दो 1 किलो गोल्ड खरीद के ले आओ, 1 किलो गोल्ड तो सर बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन तुमसे कह दो 10 किलो गोल्ड बेच के आ जाओ अभी दो सर, 10 मिनट लगती है, पैसे कमा के दिखाओ मुश्किल है, खर्च करना आसान है। तो बंद करना, बर्बाद करना आसान है, वही बर्बादी आपको सीखनी है अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है।
तो बाकी बात ऐसे हो गया कंप्लीट है। अब तुमने जितना कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो अच्छी बात है। इसके बेसिकली कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं अपने पास? 4 क्वेश्चंस बच रहे हैं अपने पास, 4 क्वेश्चंस। अगर समय मिला तो किसी भी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इनको आगे मैं चेक करवा दूंगा। कंप्लीट जरूर कर लेना इनको अपनी नोटबुक के अंदर। बाकी कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास।